नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कहीं दर्पण तो नहीं बना रहा आपको बदनसीब, रखें इन सात बातों का ध्यान। जी हाँ दोस्तों, कहीं दर्पण तो नहीं बना रहा आपको बदनसीब। दर्पण आपके घर में भी होगा, हर सुबह उठकर आप इसमें अपनी सूरत देखकर सजते संवरते होंगे, और दोस्तों अच्छे दिखने पर आप खुद की तारीफ भी करते होंगे। और अगर कहीं आपको जाना हो तो जाने से पहले आप जरूर दर्पण के सामने अपने चेहरे को जरूर एक बार निहारेंगे, यानी दर्पण आपके जीवन का एक अहम हिस्सा है। कुछ लोग तो जहां भी जाते हैं अपने साथ में दर्पण रखते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जैसे ही किसी के सामने जाना हो उससे पहले खुद को संवार लें, लेकिन दोस्तों चेहरा संवारने वाला दर्पण कई बार किस्मत को भी बिगाड़ देता है, ऐसा वास्तु विज्ञान का कहना है। वास्तु विज्ञान के अनुसार दर्पण सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा में फर्क नहीं करता है, उसके सामने जैसी ऊर्जा आती है वापस पलट देती है। इसीलिए दर्पण को वास्तु विज्ञान में बहुत ही महत्व दिया गया है। बहुत से लोग अपने घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं दर्पण से संबंधित कुछ बातें। कई लोगों का ये मानना है कि दर्पण को लेकर लोगों में स्वास्थ्य, व्यवसाय, उन्नति ऐसी चीजों में बाधक भी बन जाती है, इसीलिए दर्पण का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। शयन कक्ष में दर्पण ना रखें। अगर ऐसा करना कठिन हो तो दर्पण को इस तरह रखें कि सुबह उठते ही आपकी तस्वीर, आपका चेहरा दर्पण में न दिखे, यानी दर्पण बिस्तर के सामने ना हो। अगर दर्पण का शीशा चटक गया हो तो घर में न रखें। दरार वाले शीशे से निकलने वाली रोशनी घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है, इससे परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ती हैं, और ऐसे दर्पण में चेहरा देखने से स्वास्थ्य में निर्बलता आती है। दर्पण के लिए वास्तु विज्ञान में उत्तर पूर्व दिशा को शुभ माना गया है, इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर में होता है। गोल आकृति का दर्पण वास्तु विज्ञान के अनुसार अनुकूल नहीं होता है। आयताकार या वर्गाकार दर्पण वास्तु विज्ञान के अनुसार शुभ होता है। घर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में होना घर और परिवार के लिए कष्टकारी होता है, इसलिए इस दिशा में दर्पण भूलकर भी न लगाएं। दर्पण के ऊपर धूल मिट्टी न जमने दें, और यह भी ध्यान रखें कि आपके घर में बेसमेंट है या दक्षिण पश्चिम में टॉयलेट बाथरूम है तो पूर्वी द्वार पर एक वर्गाकार दर्पण लगाएं, इससे वास्तु दोष दूर होगा। तो दोस्तों कहीं दर्पण तो नहीं बना रहा आपको बदनसीब। ये थे सात सुझाव। इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको वास्तु दोष से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।